हेलो दोस्तों, क्या आप कार में बैठकर हवा में उड़ने का सपना देख रहे हो? लंबे समय से कार से हवा में उड़ने का सपना देखने वालों के लिए बस समझो ही उनका सपना पूरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपने मूवीज में तो कारों को उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन हकीकत में ये आपका ख्वाब पूरा होने वाला है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइंग कार मीन्स उड़ने वाली कार के बारे में। अब तक तो आपने सुना होगा और देखा होगा हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर ही आकाश में उड़ते हैं, लेकिन अब आ गई है फ्लाइंग कार मीन्स उड़ने वाली कार। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश वाघेला और आपका स्वागत है मेरी चैनल लेट्स एनरिच न्यू नॉलेज। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लाइंग कार के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए जानते हैं फ्लाइंग कार के बारे में। सबसे पहले इस कार का नाम है एयर कार। इस कार को स्लोवाकिया की क्लेन विजन कंपनी ने तैयार किया है, स्लोवाकिया जो यूरोप की एक कंट्री है। इस कार के संस्थापक स्टीफन क्लेन जो पिछले 30 साल से इस पर काम कर रहे थे। इस कार ने अपनी पहली सफल उड़ान जो 28 जून 2021 को स्लोवाकिया की नेत्रा और बाटिस्लावा दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में से सिर्फ 35 मिनट में किया है। पहले जानते हैं इस कार की कुछ विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द कार। सबसे पहले इस कार में BMW का 1.6 लीटर का इंजन लगा है और यह कार रेगुलर पेट्रोल में भी चलती है। यह कार 8200 फुट ऊंचाई पर करीब 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है। यह हवा में 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इस कार को उड़ने में मात्र 2 मिनट और 15 सेकंड लगती है। इस कार में 2 लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं और इसको उड़ने के लिए 300 मीटर लंबा रनवे की आवश्यकता है। इस कार की अंदाजित कॉस्ट $1.1 मिलियन बताई जा रही है। दोस्तों फ्लाइंग कार का तो आविष्कार हो गया, उसका इन्वेंशन तो हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे? तो चलो हम बात करेंगे इसके फायदे और उसके नुकसान के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फायदे, फ्लाइंग कार के एडवांटेजेस। सबसे पहला फायदा तो कोई भी इमरजेंसी सेवा जल्दी से उपलब्ध होगी, जैसे एम्बुलेंस और आदि। दूसरा इसका फायदा ये रहेगा कि इससे ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। ट्रैफिक की जो जो समस्या रहती है वो सारी ट्रैफिक की समस्याएं फ्लाइंग कार से हल हो जाएगी। थर्ड उसका ये फायदा होगा कि रोड पे चलने वाली कारों से इसकी कम मात्रा में फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। और चौथा इसका ये फायदा होगा कि ये सेल्फ पायलट या ऑटोमेटिक कार होने के कारण इसमें एक्सीडेंट के बहुत कम चांस रहेंगे। हमने फ्लाइंग कार के फायदे के बारे में तो देख लिया, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो चलिए इसके नुकसान के बारे में या उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये महंगी होने के कारण आम आदमी इसे नहीं खरीद पाएगा। दूसरा, ज़्यादा पैसेंजर इस कार में हम नहीं बैठा सकते। तीसरे नंबर पर ये कार से साउंड पोल्यूशन बढ़ जाएगा। चौथा, साउंड पोल्यूशन के साथ साथ इसमें पर्यावरण एनवायरमेंट पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा। और अंतिम उसका पांचवा, अगर तकनीकी खराबी होती है तो इसके कारण एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इस कार के फायदे एवं नुकसान। इसके और ज़्यादा फायदे एवं नुकसान अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है, ये फ्लाइंग कार का फॉर्मूला क्या सफल होगा या नहीं, आपकी राय जरूर दीजिए। और दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।